नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे बेसन और फ्रेश कोकोनट से पेड़ा। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम फ्रेश कोकोनट लेंगे और इस तरह से पीछे का छिलका हटा देंगे और हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। यानी यहाँ पे मेरा एक नारियल है, मैं उसे दो बार करके मिक्सी के जार में डालकर पीस दूँगी। वो जब हम पीसेंगे इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसेंगे, इस तरह से बिल्कुल। देखिए इसमें से दूध निकल रहा था, हमें दूध निकालनी नहीं है इसकी, हमें ऐसे ही रहने देनी है। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें आधा कप घी डाल देंगे। आधे कप घी में अब हम डालेंगे इसमें एक कप बेसन। बेसन का मेजरमेंट या तो कप से रख लें या कोई कटोरी से रख लें, और उसी कटोरी से हमें आधा कटोरी घी देना है या उसी कप से हमें आधा कप घी देना है, और उसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए थोड़ी देर में इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गया है। तब इसमें और अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक हम इसे और भून लेते हैं। तो टोटल इसे भूनने में हमें 8 से 10 मिनट लग गए जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम डाल देंगे दूध की मलाई, जो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बासी आप इसमें नहीं डालेंगे, और 3 छोटी इलायची को अच्छे से कूट कर डाल दें और इन दोनों को अच्छे से मिला दें बेसन के साथ में, और 2 से 3 मिनट के लिए लगातार और भून लें। लेकिन यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखें। ये देखिए और अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप दूध। यहाँ पे दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। 1.5 कप दूध को डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। चलाते चलाते इसका दूध सूख जाएगा, फिर पैन से ये बेसन बिल्कुल छूटना शुरू हो जाएगा इसी तरह से। तो ये देखिए बेसन जो भुनाते गया दूध के साथ और ये पैन छोड़ता चला गया। इसी तरह से भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट लग गए थे। उसके बाद जो हमने कोकोनट को पीसा था, कच्चे नारियल को, उस नारियल को हम इसमें डालकर इसे भी भून लेंगे मिलाते हुए। यहाँ पे हम बेसन के साथ नारियल को 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे मीठा हम अपने हिसाब से रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री का यूज़ किया है। आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा कप धागे वाली मिश्री का पाउडर दिया है और इसे लगातार चलाते रहे। ये चलाते हुए जब हम भूनते हैं तो ये धीरे धीरे इसका पानी सूख जाता है, चीनी का पानी हो या मिश्री का पानी हो। ये सूख गया और ये अच्छे से भून चुका है। तो लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल देंगे। घी आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो इसमें 2 की जगह पे आप 4 भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए और मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए बनकर बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुका है, भुन चुका है। इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। जब हाथ में सहने के लायक एकदम हो जाए तभी आप इसमें हाथ में लेके लोई बना लें और पेड़ा का शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप इसे लड्डू भी बना रख सकते हैं। ये जो हमने पेड़ा बनाए हैं आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने अभी बनाया है, इसी तरह से किसी भी चीज़ से आप शेप दे सकते हैं। या तो फिर आप सिर्फ गोल में भी रख सकते हैं या फिर इसे गोल लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये जो बेसन वाला पेड़ा है आप किसी चीज़ में भी, व्रत में हो या पूजा में हो या फिर ऐसे ही, जब आपको खाने का मन करे आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप जब बनाएंगे तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।